हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? फिट फाट है? कैसे थी बेहतर? और मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से तमाम फैमिलीज़ को, तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को 14 अगस्त मुबारक हो। आपको आपको अपनी आज़ादी मुबारक हो। असल तो जी आज़ादी है ना, वो तो ये की कहते ने कुंवारियां दी होंदी है। असं तो शादीशुदा फसे पे हैं, साढ़े वाली तो मैके भी नहीं जाती 14 अगस्त वाले दिन। वैसे अगर चली जाती तो ज़्यादा ही बेहतर होना सीगा। ते आज मैं क्या थोड़ा पंजाबी बोलना चाहिए, पाकिस्तानी पंजाब का, मैं पंजाब के नाल तालुक रखना तो कम अज़ कम इन्ना तो करना ही चाहिए। पंजाबी मेरी थोड़ी वीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि पंजाबी बोलूँ। तो अभी मैं घर खाने का कोई मूड नहीं है भाई, आज वाइफ मना कर दी है, कहती खाना बाहर से लेके आए, तो अभी खाना बाहर से लेने जा रहा हूँ। तो खाना लेते हैं, खाना लेके वापस आते हैं, फिर 14 अगस्त की फुल तैयारी करते हैं। 14 अगस्त लो जी, खाना मैंने ले लिया है, ते कढ़ाई प्लस दाल मिक्स और स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं और मीनू शाह हो गए हैं बिल्कुल तैयार। ये देखें, मीनू शाह डेक को डेकोरेट कर दिया है। मीनू शाह ने कपड़े भी वैसे वाइट और ग्रीन पहने हैं, ऊपर इससे बैज लगाया है, तो मेरा ये बैज लगा हुआ है। आई एम ऑल्सो रेडी। अभी हम जाने लगे हैं बाहर घूमने फिरने, मीनू शाह को घुमाने लेके जा रहा हूँ। 14 अगस्त पे जो फंक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं शहरों में, मतलब डेकोरेशन की होती है, जहाँ जहाँ पे वहाँ जाएंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे। ये पीछे बाजों की आवाज़ आ रही होगी यार, आज ये पूरा दिन ही बजाते रहे हमारा दिमाग खा गए यार, पूरा दिन इतनी खुशी यार। बच्चे तो बच्चे होते हैं यार, फिर बच्चों को क्या कर सकते हैं। तो अब हम बस निकलने लगे हैं, जाने लगे हैं। पहले फंक्शन वाली साइड पर जाएंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे आगे सतलुज पार्क वाली साइड पे, वहाँ घूम के फिर हम वापस आएंगे। आज 14 अगस्त अपना आज़ादी का दिन अच्छे तरीके से मनाएंगे। मुझे मैं और मीनू शाह पहुँच गए हैं रोग पंप के सामने, तो ये सामने से बिल्कुल तैयारी हुई पड़ी है सब। तो ये फ्रंट से भी दिखाता हूँ और ये साइड से देखें। ये अरेंजमेंट की गई है जी, नारे पाकिस्तान डमे के तौर पर बनाया गया। सामने रेलवे ट्रैक्स हैं। मीनू शाह ने गलिया पकड़ लिया, मीनू शाह छोड़ ही नहीं दिए इसे। मीनू शाह छोड़ दो, इसे छोड़ दो। हाँ जी, हाँ जी, सुनाओ क्या हाल है? ठीक हो? कैसे भी आता छोटा एक त्यार होया पे। सलामकुम, सलामकुम, क्या हाल है? बस नॉर्मल ही है क्या ना, बाकी लोगों ने नहीं बनाया ना ऐसे। ठीक है, यहाँ पे फुल लोग तैयार होके आए हैं। मैं झंडे ले रूह को कर्मानत देने वाला मामला है, बेहतरीन किस्म, बेहतरीन माशाल्लाह। इसी जोश की वजह से हम आज आज़ाद हैं।
सारा के कॉपीराइट और ये पीछे देखें सारे गाइस। अच्छा नाउ आई एम सेकंड प्लेस, अब मैं दूसरे प्लेस पे आ चुका हूँ और ये सतलुज पार्क है। ये सतलुज पार्क का ब्लॉग पहले मैंने बनाया था मोटे के गोलगप्पे के नाम से, तो फिर वो आप जाके देख सकते हैं। और ये अब मैं आ गया हूँ गेट के बाहर, रश के सामने एक डीपीएस। तो अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको उस लोकेशन पे, ये देखिएगा सारे उन्होंने मज़ारे शजारे सारा कुछ बनाए हुए। ये पीछे दानिश स्कूल के बच्चों की सारी मेहनतें हैं जो अभी मैंने आपको दिखाई हैं। अब उम्मीद है आपको, तुम्हें आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे एक दोस्त मिला, भाई मिला। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह सुना जश्न आज़ादी तो पूरा मन से माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है फिर सर, बहुत नहीं नहीं बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाई। अभी चलते हैं वापस पार्क वाली साइड पे। मुझे और मीनू को दें इजाज़त, मीनू को अभी भूख लगी है, मीनू को आप घर लेके जाने लगे। तो अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए। चलो।